उस समय जो भावनाएं थीं वो देश को आज़ाद करने की, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने की थी। और फिर जो एक उस समय का तराना था वंदे मातरम का था, तो उसमें एक रूप था भारत का कि ये सुजलाम होगा, सुफलाम होगी, शस्य श्यामला रहेगी, यानी यहाँ अन्न जल भरपूर रहेगा, लोगों को खाने पीने की समस्या नहीं होगी। तो ये एक सुख समृद्धि, सुरक्षा, शक्ति, इस सब का एक स्वरूप बनेगा भारत हमारा। और जो देश के बड़े नेता थे वो अक्सर देश के भावी रूप के बारे में जब बोलते थे तो उसमें भी एक स्वदेशी का, अपने आत्माभिमान का, अपने देश के गौरव का, अपनी परंपराओं का, अपने उद्यमों का भी एक भाव रहता था।